सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है ओप्पो का, और अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इसमें अभी पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। तो पासवर्ड तो हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे इमरजेंसी पे जाके *6999 ऐसा अगर डालेंगे तो आप इसका मॉडल ज़रूर पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2185 है, CPH 2185 इसका मॉडल है, यानी कि ये ओप्पो का A15 मॉडल है, और इसके अंदर जो CPU लगा है वो लगा है MediaTek का। तो चलिए अब हम इसे अनलॉक करते हैं। सबसे पहले हम इसे हार्ड रीसेट करके हाथ से ही अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें फ़ोन को कर लेना है पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद से इसका पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ दबाना है, जिससे कि ये रिकवरी मोड में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन रिकवरी मोड में जाने के लिए तैयार हो चुका है। अभी आपका जैसे ही फ़ोन खुलता है आपको पावर बटन से हाथ हटा देना है, लेकिन आपका वॉल्यूम डाउन बटन दबाए रखना है, या फिर दोनों से भी हटा देंगे तब भी ओप्पो को फ़ोनों में रिकवरी मोड में ये फ़ोन चला जाता है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है पावर बटन से, इसमें टच भी काम करता है। बट यहाँ पे वाइप डाटा पे आने के बाद जैसे हम क्लिक कर रहे थे, यहाँ देखिए पुराना पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि पासवर्ड के बिना ये वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा कंप्यूटर हमारा साथ देगा, क्योंकि जब भी फ़ोन फैक्ट्री रीसेट भी नहीं होता है तो आपको बिना कंप्यूटर के ये अनलॉक आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना UMT डोंगल, जो कि आप लोग भी चाहो तो अनलॉकिंग और सॉफ्टवेयर के काम के लिए आप भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको एक USB ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, जो कि MediaTek USB ड्राइवर है बस, और आपको UMT डोंगल चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फ़ोन को कर लेना है पावर ऑफ, और अभी आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन को रख लिया है, और यहाँ पे अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन को खोल लेना है। यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना MediaTek का एक UMT डोंगल में आता है एप्लीकेशन MTK, उस टूल को ओपन कर लूँगा। उसी टूल में इसको हम अनलॉक करेंगे, इसका पासवर्ड FRP सब कुछ हटाएंगे, जो कि कुछ चंद मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि ये MediaTek है तो MediaTek का अनलॉकिंग बहुत ही आसान होता है, इजी होता है। तो यहाँ पे ये फ़ोन अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी ये फ़ोन खुला हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फ़ोन को, यहाँ पे देखिए इमरजेंसी पे हम *6999 डाल रहे थे, यहाँ पे इसका CPH मॉडल वगैरह वर्जन वगैरह सब कुछ आपको दिखा रहा है। ये एंड्रॉयड 10 वर्जन है और CPH 2185 इसका मॉडल है, जो कि A15 है, ओप्पो A15। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चले जाना है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद से आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। एक्चुअली मैंने कंप्यूटर स्क्रीन तो चालू कर लिया था, बट मैं गलती से भूल गया और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैंने आपको जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा लेट दिखाया है। तो इसके लिए तो मैं अब क्या ही बताऊँ, मेरा दिमाग से उतर गया है, कंप्यूटर स्क्रीन का रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया और मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू है, जिससे कि मेरा फ़ोन कनेक्ट है, और मतलब फ़ोन का जो रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ ये मोबाइल में दिखा रहा हूँ, और कंप्यूटर का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैंने चालू करना भूल गया मैं, तो इसके वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मिस हो गया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मेथड मैं बता रहा हूँ फॉलो करेंगे तो ये एकदम 100% अनलॉक होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को कर लेना है पावर ऑफ। यहाँ पे मैंने फ़ोन को पावर ऑफ कर लिया। पावर ऑफ करने के बाद से अब आपको क्या करना है, अब आपको फ़ोन को कुछ भी नहीं करना है, बस आपको डाटा केबल कनेक्ट करना रहेगा, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के और केबल कनेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे मेरा चूँकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मैंने जहाँ से रिकॉर्डिंग मुझे अचानक से याद आया तो मैंने ये देखिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। यहाँ पे प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है आप जैसा कि देख रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा EriseFS। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फ़ोन का स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगाना रहता है, जिससे कि फ़ोन MediaTek का पोर्ट बना लेता है और कनेक्ट हो जाता है। इसमें आपको एग्जीक्यूट और वो सब का बटन कभी कभी नहीं दिखाई देता है फंक्शन में, EriseFS बस आपको दिख रहा होगा बीच में इस टूल के अंदर, बट इसमें आपको पूरा फंक्शन दिखाई देता है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह से वो चीज़ दिखाई देता है। तभी देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा Erase यूज़र डाटा सक्सेसफुली स्कीपिंग FRP जो है वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। तभी नॉर्मली आपको फ़ोन को खोल लेना है, बट यहाँ पे जो ये फ़ोन है ये थोड़ा सा समय लगेगा इसको खुलने में, क्योंकि ये जो फ़ोन है अभी जस्ट ऑन हुआ है, तो यहाँ पे ये फ़ोन थोड़ी देर तक खुलने में टाइम लेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा फंक्शन चालू कर दिया है। तो यहाँ पे रीड डाटा रीसेट FR एंड फॉर्मेट और FRP, अगर आपको सिर्फ FRP हटाना है तो रीसेट एंड FRP पे क्लिक नहीं करना है, बट हमें तीनों हटाना है, तो हम रीड यूज़र डाटा एंड FRP और यहाँ पे रीसेट पे सब पे क्लिक करके तीनों पे चेक मार्क लगाया, और उसके बाद से एग्जीक्यूट नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में, इस पे एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद से ये बोलेगा कि केबल लगाइए, यहाँ पे नीचे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा फंक्शन बार, यहीं पे केबल लगाने के लिए ऑप्शन देगा। तो वहाँ पे आपको जैसे ही ये ऑप्शन है आपको फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना है और आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगा लेना है, जिससे कि ये फ़ोन आपका जो है वो कनेक्ट हो जाएगा EDL मोड में आपके CPU से और आपके कंप्यूटर से।
ध्यान रहे आपको ये टूल के साथ साथ एक यूएसबी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। यूएसबी ड्राइवर एक एप्लीकेशन है जिसको आप नॉर्मली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप सिंपल सा लिख देना है आपको मीडियाटेक यूएसबी ड्राइवर और आपका जो फ़ोन है वो मीडियाटेक यूएसबी ड्राइवर आ जाएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद से चाहे ओप्पो के फ़ोन हो, चाहे वीवो के, चाहे किसी भी कंपनी के फ़ोन हो, बस आपको मीडियाटेक उसमें सीपीयू लगा रहेगा तो आपका कोई भी फ़ोन हो वो आपका तुरंत पोर्ट बना लेगा और अनलॉकिंग आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग अनलॉकिंग की जो प्रोसेस होती है वो सीपीयू में होती है, न कि फ़ोन में, क्योंकि सारा सिस्टम जो होता है वो सीपीयू ही चलाता है, सब कुछ वही करता है, तो पासवर्ड वगैरह भी उसी में लगा रहता है, तो आप सीपीयू से ही सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वालकॉम और मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम, ये तीन सीपीयू सबसे ज़्यादा चलते हैं और सैमसंग में एक्सिनोस का चलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आसान तो सभी अनलॉक करना, सबको ही अनलॉक करना आसान है, बट क्या होता है कि अब आदमी का प्रोसेस जो होता है सबका थोड़ा सा अलग अलग होता है हर सीपीयू का, तो यहाँ पे काफ़ी देर हमको वेट करना पड़ता है क्योंकि कई फ़ोन जल्दी खुल जाते हैं, कई थोड़ा लेट लेते हैं। बट यहाँ पे देखिए इसका FRP वगैरह सब कुछ हट चुका है। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, नॉर्मल सेटिंग कर लेना है, स्किप नेक्स्ट करके, जो आप नॉर्मली सेटिंग जब नया फ़ोन खरीदते हैं तो करते हैं, तो वैसा ही आपको करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका FRP पास हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।